दीपक सनहार हो पापी तू बक सनहार
हूँ।
Yeah.
खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। Yes.
Oh,
प्रगट होआ। गुरमुख कल विच प्रगट होआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ, सेवा प्रवान करने जी गुरु अर्जन देव संगीत अकैडमी के विद्यार्थी अरदासा पासों। सो आप जी ने बड़े प्यार ना बच्चों ने कीर्तन सुनाया ते आप जी ने सरवण किया ते विच थोड़ी जी खेचल होई लाइट दी ते लेकिन असी आप जुड़े रहे सारे बहुत बहुत आप जी सारे दा धन्नवाद ते समूह कमेटी मैंबरां साहिबान दा धन्नवाद जो दासां नूं निवाजिया कीर्तन लई हाजरी भरन लई ते आस इस तरह ही याद करदे रहणगे ते जितनी माया प्रबंधक वालों भेट हुई है सारी जो गुरु अर्जन देव संगीत अकैडमी के विद्यार्थियों के कार्यों लिए सवारी जाती है। सो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद ते समूह साध संगत गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश पुरब बेअंत बेअंत बधाइया ते गज के फतेह के जाने जी। हुण साडे को जसप्रीत सिंह सोनू वीर जी साडे बहुत प्यारे ते कीर्तन नाथ जी नूं निहाल करनगे ते स्टेज सकत्तर साहब अगे दा प्रोग्राम दसणगे। फतेह के जाने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
वाह वाह सारियां संगतां गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस हिसाब नाल संगत बैठी है उस हिसाब नाल तुसी फतेह नहीं बुलाई, बेनती है जे हाजिर हो हजूर दी हजूरी बैठण दा आनंद तां है जे हाजिर हो के बैठी। केवल तन दी हाजरी संपूर्ण हाजरी नहीं होंदी, तन दे नाल जदों मन भी हाजरियां भरदा उदों गुरु नानक साहब चोलियां भर के भेजदे। बेनती है सारियां नूं महाराज जी नूं शीश झुकाओ और चढ़दी कला विच सारी संगत गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत नूं बेनती है थोड़ा नेड़े नेड़े हो के आके बैठो, जिहड़ी होर संगत आएगी उहनूं पिछे थां मिल जाएगी। तो बेनती है सारिया नूं नेड़े नेड़े होके महाराज दे कोल बैठो, जिन्नी नेड़े नेड़े होके बैठोगे उन्ना कलयुग दूर भजेगा और जिन्ना दूर दूर होके बैठोगे उन्ना कलयुग का प्रभाव ज्यादा पएगा। एक सिंह पानी की बोतलां वरता रहे सी, बेनती है हुण कीर्तन का रस पीण दिओ सारिया नूं, बाद चो आपां लंगर भी छकांगे जल भी छकांगे। हुण कीर्तन विच हिलजुल ना होवे, प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत। सच्ची मुची जदों एक मन इच्छित होके हाजरियां भरांगे उदों एक वखरा ही स्वाद होएगा, गुरु नानक साहब झोलियां भर देणगे। तो बेनती है प्रबंधकां ने इन्ना सोहना उपराला कीता है, निके निके बच्चे वेखो किवें हाजरी भर रहे सी, इन्ना आनंद आ रहा सी, इवें लगता सी जिवें सच्ची मुची सचखंड च ही बैठे। होर किहड़ा सचखंड है धरती तो, होर किहड़ा सच है धरती ते जाण तो बाद। कबीर जब लग मन वैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। कह कबीर एकैये काहे साध संगत वैकुंठे आए। कहिंदे जदों संगत विच आ जाईदा इस तरह लगदा जिवें वैकुंठ च ही बैठे होए। तो आओ मन बिरथी एकागर करिए, दो कु मिनट गुरमंत्र का सहारा लो, उस तो बाद जिवें जिवें लीला धार लीला वरताउणगे आपां हाजरी भरदे हां। कोई भी रसना मांझी नारे सारी संगत करो जी कृपा वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। जपो जपो वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। जपो कर्मा वाले हो वाहे गुरु 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 वाहे। जपो जपो वाहे गुरु 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 वाहे। सारे नहीं जप रहे, बेनती है जे खुशियां चाहिदियां फिर जपना पड़ेगा। जपो जपो वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। शाबाश वाहे जपो जपो वाहे गुरु 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 गुरु वाहे 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 गुरु।
ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਗੈ ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨ ਪਰਿਆ ਰੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨ ਮੇ ਤੂ ਰਾਜਾ ਕਹੀਏ ਭੂਮਨ ਮੇ ਭੂਮਾ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਮੈਂ ਠਕੁਰਾਈ ਤੇਰੀ ਕੋਮਨ ਸਿਰ ਕੋਮਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਵੱਡੋ ਧਨੀ ਅਗਵਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਵੱਡੋ ਧਨੀ ਅਗਵਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਵੱਡੋ ਧਨੀ ਅਗਵਾ ਉਸਤਦ ਕਵਨ ਕਰੀ ਜੈ ਕਰਤੇ ਪੇਖ ਰਹੇ ਵਿਸਵਾ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥ ਬੋਲੋ ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥ ਬਾਬਲ ਸਮਰਥ ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥ ਬੋਲੋ ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ
करण कारण प्रभु हारा बोलो, करण कारण प्रभु हारा, करण कारण प्रभु हारा, बाबुल मेरा वड समरथ देव साहिब जी, गुरु नानक देव साहिब जी, धन गुरु नानक देव साहिब जी, गुरु नानक देव साहिब जी, धन गुरु नानक देव साहिब जी। जेड़ा मेरा पिता है वड्डी समर्था दा मालक है उदा नाम की है, धन गुरु नानक देव साहिब जी, 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 बाबुल मेरा वड समरथा बोलो, बाबुल मेरा वड समरथा, चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसके बल राम जियो, हर अमृत परे भंडार सब किस है घर तिसके बल राम जियो, बाबुल मेरा बड़ समरथा करण कारण प्रभु कारा, सिमरत दुख कोई न लागे भोजन पार उतारा, आ जुगाड़ भक्तन का राखा उस्तद कर कर जीवा, ओ नानक नाम हरस मीठा, नानक नाम हरस मीठा, दिन मन तन पीवा, बोलो बाबुल मेरा वड समरथा, बाबुल मेरा वड समरथा, करण कारण प्रभु कारण प्रभु हारा, करण प्रभु हारा, करण कारण प्रभु हारा, करण कारण प्रभु हारा, करण कारण प्रभु हारा, करण कारण प्रभु हारा,
गुल मेरा बड समर्था गुलो राजा सम मित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हो चेरी हस तो जाए सो रोवत आवे रोवत जाए सो हसे बस तो होए होए सो उजड़ उजड़ होए सो बसे बाबुल मेरा बड़ समर्था जल ते थल कर थल ते कुआं कूत मेर करावे धरती ते आकाश चढ़ावे चढ़े आकाश गिरावे बबुल मेरा बड़ समर्था पेखारी ते राज करावे राजा ते पेखारी ओ खल मूरख ते पंडित कर बो पंडित ते मुगदारी बबुल मेरा बड़ समर्था नारी ते जो पुरख करावे पुरखन ते जो नारी को कबीर साधु को प्रीतमा को कबीर साधु को प्रीतमा मूरत बल हरी बुल बाबुल मेरा बड समर्था बुल मेरा बड समर्था सुन वड्डा आखे सब कोई कीमत पाए न कहिया जाए कहने वाले तेरे रहे सवाले बड़े मेरे सागे बा बड़े मेरे सागे बा बड़े मेरे साए बा बड़े मेरे साए बा गहर गंभीरा गुणी गहीरा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता के बड़ चीरा कोई न जाने तेरा केता के बड़ चीरा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत माई ओ ज्ञानी ज्ञानी गुर गुर गाई
कहन न जाई तेरी तिल वड्याई ओ कहन न जाई तेरी तिल वड्याई कहन न जाई तेरी तिल वड्याई धन गुरु नानक 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 सब सत सब तप सब चंगियाइयां सिद्धा पुरखा किया वड्याइया तुद बिन सिद्धी किने ना पाइया कर्म मिले ना ही ठाक राइया आखन वाला क्या बेचारा सिवती भरे तेरे भंडारा ओ जिस तू देह तिसे क्या चारा नानक सच सवारण हारा युवा बोल मेरा वड समरथा बोलो बोल मेरा वड समरथा कादर करीम बेजिया रिजक संवारे साई कारक मामनी तुर छोड़ी तिन्ने पाए नानक की बादरी और दूजी नहीं जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए Bye.
गुरु बच्चियां दे भले लई आखो सतनाम श्री वाहे गुरु गुरु नानक साहब दी खुशी लैण लई आखो सतनाम श्री वाहे गुरु अज दे दीवान बिच अपनी भी अरदास करियो साडी भी अरदास करियो साड़ी इन्नी कु बैटरी चार्ज हो जाए के चंगे सारे ने पर गुरु नानक साहब तू सब तो वड्डा है इन्नी बैटरी आज अरदास करे अपनी भी साडे गरीबां दी भी माड़ा किसे नू नहीं कहना ए गुरमत है निंदा किसे दी नहीं करनी ए गुरमत है ए नहीं के अपने प्यो नू वड्डा कहना ते दूसरे दे प्यो नू माड़ा कहना शुरू कर देना ए गुरमत नहीं चंगे सारे ने पर गुरु नानक साहब जो स्थान तेरा है जिथे तू बैठा सारे तेरे तो थले ने आखो सतनाम श्री वाहेगुरु देखो केवल नॉलेज वास्ते तुसी भी फिर दे हो असी भी फिर दे हां संसार जी केवल नॉलेज वास्ते किसी नू नीवा दिखाण वास्ते नहीं तुसी कोई मंदिर ऐसा नहीं वेख्या होना जिथे मुसलमान झोली अड़दा होवे आखो सतनाम श्री वाहेगुरु मैं फिर कह रहा एक किसे नू नीवा दिखाउन वास्ते नहीं किसे दी निंदा नहीं केवल अपने प्यो दी वड्डी वड्याई के किन्ना वड्डा है गुरु नानक कोई मंदिर तुसी ऐसा नहीं वेखोगे जिथे मुसलमान वीर झोली अड़दा होवे एक अद्धे दी गल मैं नहीं करदा कोई मस्जिद ऐसी नहीं वेखोगे जिथे हिंदू वीर जाके झोली अड़दा होवे पर तुहाडा गुरु नानक किन्ना वड्डा है साडा गुरु नानक किन्ना वड्डा है जिथे सिख झोली अड़दा है उत्थे कितने हिंदू वीर कितने मुसलमान वीर भी झोली अड़दे कितने वड्डे ने सब दियां झोलियां भरी जांदी बंगला साहब तुहाडे तो दूर नहीं सीजगंज साहब तुहाडे तो दूर नहीं ऐतवार वाले दिन कल ऐतवार है तुसी बंगला साहब जायो इतने सिख वीर हाजरी नहीं भरते जितने हिंदू वीर हाजरी भरते रुमाल जे बंदे होंदे इतनी श्रद्धा उन्हां दे अंदर मन करदा इन्हां दे पैर धो धो के पीवी लाड लडाउंदे ने आके बाला प्रीतम नाल लाड लडाउंदे ने गुरु तेग बहादुर साहब नाल लाड लडाउंदे ने नानक प्याऊ गुरु नानक साहब नाल कितने ही झोलियां अड़ते तू सब दा साझा है तू सब दा साझा है सात संगत जी जे गुरु नानक साहब तारण वास्ते चले है सारिया नू लोकाई दा भला करन वास्ते तुरे है ते एक पासे मर्दाना मुसलमान एक पासे भाई वाला हिंदू बैठा हुए है वितकरा किसे नाल है किसे नाल वितकरा चंगे सारे ने पर वेखो गुरु नानक साहब ने कैसी अंदरों एक खिच पाई होनी है सब कोई कहंदा गुरु नानक मेरा है सब कोई कहंदा गुरु नानक मेरा है बाबा जी बचन करदे सी ठोक बजा के संगत भी कहंदे सी भाई दसो गुरु नानक किदा कोई जवाब नाना ते महापुरशा ने फिर कहना भाई दस दे नी गुरु नानक किदा एक ने कहना महापुरशो तुसी समत दियो तुहाडी कमाई सिरे दी है तुसी समत दियो ते महापुरशा ने कहना भाई जो गुरु नानक दा
गुरु नानक भी ओदा जो गुरु नानक दा। सची मुची तुसी बस मन वेचो सही, तुसी इधर ढहण की कोशिश करो सही, इधर तुसी डिगे नहीं उथे महाराज ने तुहानू कलेजे नाल लाया नहीं। वचन करते सी महापुरुष जे गुरु नानक नाल प्यार कीता है, देखो प्यार उन्हां दी वड्याइयां वेख के प्यार पैंदा जी। गुरु कोल रहण वाला वड्डा नहीं, गुरु कोल रह के गुरु नूं पछाणन वाला वड्डा है। गुरु कोल रहण वाला वड्डा नहीं, गुरु कोल रह के गुरु नूं पछाणन वाला वड्डा है। अरदास करियो अपनी भी साडी भी के महाराज सानू ओ अख दे के असी तेनू पछाण सकी। गुरु नानक साहब दे पिता कल्याण दास मेहता कई बारी गुस्से विच आके गुरु नानक साहब दी गाल ते चंड भी मार देंदे सी, पर भैण नानकी कहंदी सी तुसी गुरु नानक साहब नू कुछ ना किया करो, ये रब धरती ते आया है। राय बुलार ने भी वेख्या गुरु नानक साहब नू, माता तृप्ता ने भी वेख्या, दौलता दाई ने भी वेख्या, तुलसा ने भी वेख्या, सब ने वेख्या महाराज सानू ओ अख दियो जिस अख नाल बाबे लैणे ने तेनू वेखे, जिस अख नाल बाबे लैणे ने तेनू वेखे। जदों पछाणांगे ना उदों अरदास करांगे, मैं चारे कुंडा पालियां तुद जेवड़ ना साईं, सारे पासे फिर के वेख लिया तेरे वर्गा नहीं नजर आया कोई, सब दा सांझा है, सब दा सांझा है। ते महापुरुष बचन करदे सी जे गुरु नानक नाल प्यार कीता है फिर तीन बचना नू हिरदे च वसा के रखियो, पहला कदी डर नहीं छड़ना, दूसरा कदे काले नहीं पैना, तीसरा कदी अंकार नहीं करना। एक दिन तेरी बांह फड़ के पुछणगे तेनू की चाहिए। वड्डी वड्डी उमरां दे सिद्ध, किसे दी 500 साल उम्र, किसे दी 400 साल उम्र, आ पढ़ो भाई गुरदास जी नू जदों वड्याई करन ते आए ते दसदे ने कहंदे वड्डी वड्डी उमरां दे सिद्ध जदों गुरु नानक साहब सुमेर ते गए, वड्डी वड्डी उमरां दे सिद्ध गुरु नानक साहब नू बालिया बालिया करके बुलाउंदे सी। ओ कहंदे सी एडी छोटी उम्र च इन्नी उच्ची थां ते बच्चा किवें आ गया, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ओ बालिया बालिया करके बुलाउंदे सी क्योंकि वड्डियां उमरां दा अहंकार सी। पंडित लाल चंद भी ते ही धोखा खा गया, इन्नी छोटी जी उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी दी, साढ़े द्वापर दे अवतार श्री कृष्ण जी इन्हां ने उन्हां तो भी वड्डा नां रखा लिया, को सतनाम श्री वाहिगुरु। ओ उमरां दा भुलेखा खा गया, उमरां नाल सियाणपां नहीं हुंदियां। आ छोटे छोटे बच्चे कीर्तन करते सी, कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, कोई 8 साल का, ते माफी देना कई बारी दाड़े चिट्टे हो जाते ने, पैर कबरां च पए होंगे, जपजी साहब नहीं आउंदा, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। होर सारियां सियाणपां ने, होर सारे पासे सियाणे ने, पर इत्थे कह दिए ना बापू जी हुण ते पैर कबरां च पए ने, दाड़े चिट्टे हो गए, अमृत दी छक लो, बस हस के निकल जाएंगे, किनारा कर जाएंगे, हुण अमृत छकी। देखो सियाणप किनू कहोगे तुसी, छोटी जी उम्र का बच्चा मां नू जिद करदा, मां मैनू अमृत छका दे, मां मैनू गुरद्वारे लै चल, मैं कीर्तन सीखना। इस करके उमरां नाल सियाणपां नहीं हुंदियां, इह ते उहदी दात है, दात जोत खसमे वड्याई, जिन्हों दातां बख्शे छोटी उमरां च ही बख्श देवे, ना बख्शे ते दाड़े चिट्टे हो जाण, बंदा एवें सारी जिंदगी जुए च हार के चलिया जाए। इह ते तरला अडना पएगा, इह ते तरला अडना पएगा। जदों बाबा बुढ़ा साहब मिले ना 12 साल की उम्र च, ना ते बुढ़ा रखिया सी, इन्नियां सियाणियां गल्लां करदे सी, ते गुरु नानक साहब कहण लगे तेरा नां की है, कहंदे जी मां पिया ने मेरा नां बूढ़ा रखिया। गुरु नानक साहब कलेजे नाल ला के कहंदे उम्र तां तेरी छोटी है, तू गल्लां बुढ़िया वर्गी करदा, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तू बूढ़ा नहीं, अज तो तू साडा बाबा बुढ़ा है, ऐसा कलेजे ना लाया। वेखो 113 साल सिखी कमाई, 113 साल
उम्र छोटी है पर गल्लां सियाणियां करदे सी, गल्लां तत दी करदे सी। गुरु नानक साहब कहण लगे उम्र तां तेरी छोटी है, गल्लां बुढ़िया वर्गी करदे। इहदे तों स्पष्ट हो गया कि उमरां दे नाल कुछ लैणा देणा नहीं। कई बारी छोटी छोटी उम्र के सानू लाइन इस तरह की मिली, कई बच्चे इन्ने सहज में बैठे होंगे ने संगत भी चौकड़ा मार के, फिर पता लगता कि महाराज नहीं इन्हों की कोई पुरबली कमाई ना लाई। कई दाड़े चिट्टे हो जाते ने, पैर कबर च पे, संगत च बैठन का चज नहीं, हिलजुली करते रहन। यह भी नहीं कि हुण जांदियां जांदियां अपना सवार लीए कुछ नहीं समझ लगती, नहीं समझ लगती। पंडित लाल चंद भी भुलेखा खा गया, कहण लग्या इन्नी छोटी उम्र का गुरु मैं नहीं बनता। इन्हां ने साडे द्वापर दे अवतार कृष्ण जी तो भी वड्डा नाम रखा लिया, गुरु हर कृष्ण साहिब। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। बाबा जी तां गल पुछी ते बाबा जी कहिंदे की कहिंदे ने पंडित जी, कहिंदे मैं तां मन्नू जे गीता दे श्लोकां दे अर्थ करके दस दें। बाला प्रीतम गुरु हरकिशन साहब कहण लगे असी कर देंगे, इनू तसली फिर भी नहीं होनी, इनू तसली फिर भी नहीं होनी। जाओ जाके कह दियो पिंड सारा घूम लवे, नगर सारा घूम लवे, जिन्हों मर्जी फड़ के लियावे, गुरु नानक साहब का तरस होएगा, उहदे पासों ही अर्थ हो जाने। पर करण आया सी ना, फिर किनू लैके आया, तुहानू सारयां नू पता छजू झीवर नू जेड़ा बोलदा नहीं सुनदा नहीं, मूह चो लाटां वगदियां। बस जदों लियांदा महाराज दे कोल, महाराज ने उहदा स्नान कराया, सुचे बस्तर पुआए, दृष्टि पा के देखी, जदों छड़ी रखी ना उहदे सर ते, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गल उमरां दी नहीं प्यारिओ, गल उमरां दी नहीं, गल तां जोत दी सी, जोत दी। वह जोत अज भी छड़ियां रख रही जे, प्यार वालियां दे सर ते अज भी छड़ियां रख रही जी, अज भी मेरा वरता रही जी। बस भावना रखो, जोत गई नहीं किथे, वह अज भी जोत प्रतख होके वरत रही है, पर वरत दी उना नाल है जिन्हां दी भावना बनदी। भावना दी खेड है सारी। गुरु नानक साहब दे बाबत लिखिया आया, कल तारण गुरु नानक आया, आया आया ते लिखिया, पर गया ये किथे नहीं लिखिया, को सतनाम श्री वाहिगुरु। ऐसा आया, ऐसा आया कि वारी वारी जोत तब्दील होंदी रही, स्वरूप बदलते रहे, काया बदलती रही, अज परतख गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जोत टिकाई होई, वही जोत काम कर रही, अज भी बेड़े पार कर रही। असी हुणे पिछे इंदौर गए जी, उत्थे सिंधी कलोनी, ऐसी प्यार वाली संगत, पिछों पाकिस्तान तो आए हुए सारे, इन्ना प्यार ओ सिंधी संगत ने अपने इन्ने ज्यादा तजुर्बे साडे नाल सांझे कीते, मेरी अखां पर गईयां, मैं क्या वेखो बाबा नानक किदियां किदियां झोलियां करदा। असी कहने आ गुरु नानक साडा, पर किनू किनू प्यार दे के महाराज ने निवाजिया होए, प्यार दा भुखा है कोई कर लवे। अज भी गुरु नानक साहब चाकरियां कर दे, अज भी गुरु नानक साहब लीला वरताउंदे, प्यार दे भुखे ने बस। प्यार नाल जो मर्जी करा लो, गुरु नानक साहब अज भी चाकरी कर दे। एक बच्ची ना जी व्याह के दिल्ली शहर तो किसी होर शहर गई, लाइव चलता प्रोग्राम, उहदे व्याह नूं हजे 3 महीने होए सी, संगत वाला प्यार ते उह बच्ची ना मैनूं फोन करदी, कहिंदी वीर जी मेरे व्याह नूं ना हजे 3 महीने होए। मैं क्या अच्छा बेटा, कहिंदी मेरी सस ने ना 40-42 अपनी रिश्तेदारियां दा ना प्रशादा रख लिया, कल जिवें अज शनिवार है कल ऐतवार, शनिवार वाले दिन उहने फोन कीता, कहिंदी कल ऐतवार है ते मेरी सस ने ना अपनी रिश्तेदारी दा 40-42 बंदियां दा प्रशादा कर लिया घर, ते मेरी सस मैनू कहिंदी तू ते मैं मिल के रसोई च रोटी पकावांगे। मैं क्या बेटे ते अच्छी गल है, तेनू सेवा दा मौका मिलिया अपनी सस मां दे नाल रोटी पकाउण दा।
कहती मैं पका लूंगी रोटी, मैनू इस गल का डर नहीं। मैं क्या बेटा फिर किस गल का डर है? कहती मैं घबराई हुई हाँ, 40-42 बंदे इन्हों के रिश्तेदारी दे आउणगे सारे, पर तुहानू पता है वीर जी अजकल घर वसाउण वाले घट होंदे ने, तीलियां लाउण वाले ज्यादा होंदे होंदा है ना अजकल, हिसाब किताब इस तरह का ही है। किसी की धी कोई गलती कर दे ते ढंडोरा दिने, फलाने की धी ने पता की किया ही, वह रब तो डर कल नू तेरी भी ते वड्डियां हो रही हैं। अज पढ़दे पाएगा ते रब तेरे ते भी पढ़दे पाएगा, जे किसे दे पढ़दे चुकेगा तेरे भी डके नहीं रहने। कहती मैं बड़ी घबराई हुई हाँ, हजे 3 महीने होए ने मेरे विआह नू, मेरे मां बाप ने बड़ी रीझा नाल मेरा विआह कीता है, मैनू भरोसा है कि मेरी सस दे कन भी पक्के ने, मजबूत ने, किसे दी गल्लां च नहीं आएगी। पर कई वारी जांदिया जांदिया कई ऐसिया तीलियां पा जांदे, ऐसिया फूका मार जांदे है, वह ते फूका मार जाणगे किते मेरा घर दो फाड़ ना हो जाए। मैं रोटी पकाऊंगी, मैं नाल लगूंगी अपनी सस दे, मेरा फर्ज है। पर जांदिया जांदिया कोई यह ना कवे कि किहो जी नूं लैके आई है, तेरी नूं नूं रोटी पकाउणी नहीं आउंदी, वह ते कह के चले जाणगे कि तां मेरा घर ना उजड़ जावे। मैं क्या बेटा फिर गल सुन, एको ही रस्ता ही। कहिंदी की? मैं क्या गुरु नानक साहब का सरूप तेरे घर लगया? दसा पातशाहियां तो किसे दा सरूप लगया? कहिंदी हाँ गुरु नानक साहब का लग्या। मैं क्या फिर गल ही खत्म, तू गल च चुन्नी पा, उन्हूं हजूरिया बना, पंज पाठ जपजी साहब दे, गुरु नानक साहब दे अगे बैठ के कर और उन्हां नूं अरदास कर दे। मेरे बापू हजे 3 महीने होए ने मेरे विआह नूं, कल ऐतवार वाले दिन मेरी सस ने अपनी रिश्तेदारी का प्रशादा किया है, तो मैनू डर लगता है कि कोई रिश्तेदार दा जी जांदिया जांदिया मेरी सस दे कन च फूक ना मार जे किहो जी नूं लैके आई है, नूं रोटी पकाउणी नहीं आउंदी, मेरे मां बाप ने मैनू बड़ी रीझा नाल विआया है। महाराज कल पड़दे पा दई, कल कृपा कर दी, तू रसोई च मेरे नाल चली। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। प्यार दा भुखा जे प्यार नाल जो मर्जी करा लो, प्यार नाल जो मर्जी करा लो। उन्हें मैनू जी अगले दिन दसिया, कहिंदी 5:30 बज गए, सानू सारा प्रशादे की सेवा करदे आ, सारे रिश्तेदार चले गए। मैं क्या बेटा किसे ने फूक ते नहीं मारी जिस गल का तेनू डर सी? वह रो पई फोन च, उहदा गला भर आया, आवाज नहीं सी निकलती। मैं क्या बेटा तू रो क्यों रही है, तेरा गला क्यों भर गया? कहिंदी वीर जी मैं जो सोचिया सी उस तो उलट हो गया। को सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं क्या मैं समझिया नहीं बेटा? कहिंदी मैं डरदी सी कोई फूक ना मार जे क्यों जी नूं लैके आई है, नूं रोटी पकानी नहीं आउंदी। मैं क्या उल्ट की होया? कहिंदी जेड़ा रिश्ते जार जांदा सी मेरे हाथ चुम के जांदा सी, ते मेरी सस नूं कह के जांदा सी किहो जे कर्म कीते ने इहो जी नूं तेरे घर आई। मेरे खत चुम के जांदे सी सारे, तेरे खत च किन्नी बरकत है? कहिंदे मैं रोंदी सी मेरे हत्थां च बरकत नहीं, बरकत पाउण वाला ते पिछे काम कर रहा। को सतनाम वाहिगुरु। जिन्हों मैं अरदास कीती उहने रस पाया प्रसादे विच। देखो इस तरह करदा जे कृपा, अपने जनका परदा ढाके अपने सेवक की सर पर रख। बस मैं आ, मेरी सियाणप, मेरे हाथ, मेरी कलाकारी, मेरा पैसा, सब धरे दे धरे रह जांदे जे गुरु नानक दी नजर ना होवे, जे गुरु नानक वल ना होवे, सब कुछ धरिया दा धरिया रह जांदा जी। जे गुरु नानक साहब वल ने फिर सच्ची मुची जा तू मेरे वल है तां क्या मोशंदा। ओनू इन्ना विश्वास बन गया, इन्ना विश्वास बन गया, कहिंदे अज भी चाकरी करदे ने। ए मैं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, बाणी कह रही है, जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे। जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभु काज सवारे आए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जद मैं खत्म हो जाएगी तू तू ते डोरियां सुट दोगे, तू ही है सब कुछ, तू ही मेरे पर्दे ढकने ने, तू ही मेरे ते कृपा करनी है, तू ही मेरा सहारा है, बस तू ही मेरा मां बाप है,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟਤੀਆਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਜੇ ਬਸ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਓ ਭਗਤ ਦਾ ਉਹ ਬਸਤੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਏ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਧਾਓ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੋ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਧਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਏ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਏ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਐਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਪਰ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਾਇਆ ਝੂਠੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬੋ ਪਰਵਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਓਲੀਏ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਜੋਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਪਰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਸ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਸਾਏ ਬਾਤ ਕਰਨ ਗੁਰ ਸਿਓ ਚਾਹੇ ਪੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਨ ਲਾਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਿਓ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਉਂ ਨਦਰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਨਾ ਛੱਜੂ ਵੱਲ ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੇ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਵ ਸਗਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੇ ਸਭੇ ਮਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੇ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੇ ਖੋਵੇ ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਦ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੇ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਛੜੀ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਸਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਛੱਜੂ ਨਾ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਓ ਪੰਡਿਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਿਲ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਛੜੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੜਬੜਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ
आ सुनो सलोक फिर कहंदे ने ऐसे ऐसे सलोक उचारण कीते छज्जू जी ने गीता विचों ਉਹ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਐਸੇ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰੇ ਐਸੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੱਚੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਬੇ ਪੈ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਦੇਖੋ ਕੁੱਲ ਚੱਲੀ ਐਸਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਐਸਾ ਵਿਕ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਬਾਲਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਥ ਜੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਤਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਝੁਕ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੋ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈ ਆਹ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਬਸ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਬ ਬਣਾਏ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਪੁਰਬ ਬਣਾਏ ਸਫਲੇ ਹੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸਭ ਦੀ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਮਗਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਗਨ ਇਹ ਜਪ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਹਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਜਪੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
महाराज सच्चे पातशाह दे नेत्र बंद ने मगन होए बैठे ने मरदाना जी भी ते गुरु नानक साहब भी। एक छोटा जा बच्चा ना 8-10 साल दी उम्र लिखी होदी ओ खिचिया चला आया खिचिया चला आया। मैं हुणे वेख रहा सी जदों बच्चे भी कीर्तन कर रहे सी ना ते कई रोड ते जांदे जांदे ना ओ कीर्तन दी आवाज सुन के अंदर आके वेखदे कहिंदे कौन कर रहा कीर्तन। फिर 5 मिनट खड़े होंदे 10 मिनट खड़े होंदे फिर चले जाते खिंचदी ना आवाज। वो बच्चा खिंचया चला आया। जदों समाप्ति होई तो बाबे दी अखां खुलियां तो बच्चे दी अखां बंद हो गई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ओदी अखां चो नीर वहिंदा ओदी अखां चो नीर वहिंदा उन्हूं इन्ना रस आया उन्हूं इन्ना आनंद आया। बाबे ने उन्हूं वेखिया तो बड़े प्रसन्न होए। इन्नी निक्की जी उम्र और अखां चो बैराग दे अथरू डिगदे पए। माफी देना मेरे समय दापां ते कदी बच्चियां पिछे रोने आ कदी कारोबार पिछे कदी घर दे सुखां पिछे कदी रिश्तेदारां पिछे कदी मित्रां पिछे। किहड़ा भागां वाला तुहाडे चो जिन्हों गुरु नानक साहब दे प्यार लई अखां चो अथरू आए होण। कौन ऐसा जिहड़ा ये कवे गुरु नानक साहब कितनी उम्र हो गई व्यर्थ जा रही है अपना प्यार बख्श सानू। आखो सतनाम श्री भाई। जदों रोने आ किसे ना किसे चीज पिछे माफी देना जे गुरु नानक दे प्यार पिछे रोना ना आया सारी जिंदगी रोने आ जे खत्म हो जी। जदों गुरु नानक साहब दे प्यार लई रोना आ गया सारी जिंदगी दे रोने खत्म हो जाने। उस बच्चे दी जदों अखां खुलियां ते बच्चे दे हाथ जुड़ के बाबा तू कौन है तेरी आवाज किन्नी मिठी तू की पढ़दा सी मेरे वर्गा भी खिचिया चलाया तेरे चरणा विच मैनू इन्नी शांति मिली। बाबा जी मैं तुहाडी सेवा करना चाहुंना। बाबा जी कहिंदे की करेगा आ पाटा जा गमशा ना उहने मोढे ते रखिया होया सी खेतां च काम करदा सी नौकर सी नौकर खेत नहीं सी उहदे खेतां विच काम करदा सी। देखो उहदी शरदा भावना नूं महाराज ने किन्ने भाग लाए। मारे कहंदे की सेवा करेगा वो मोडे तो गमछा उतारे ते कहंदा सतगुरु मेरा मन करदा मैनू बिछावा मेरे कोल मखमल दी सेजा ते नहीं तेनू बिठाण वास्ते आ पाटा गमछा है मेरा मन करदा मैं बिछावा ते तू बैठ मेरा घर नेड़े है मैं अपनी मां नू कहवा के 4-5 प्रसादे उतार के दे मैं तुहानू छकावा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। बस अजे छकाया नहीं हजे क्या है बस के मैं सेवा करनी चाहना तुहाडी। हजे गमछा बिछाया नहीं बस क्या है कि मैं बिछावा ते तुसी बैठो। उहदे विच प्यार शामिल सी गुरु नानक साहब इन्ने रीझ गए एवें बावां खोल के पता की वचन कीते इतिहासक वचन ने। गुरु नानक साहब कहण लगे बच्चे नू 70-13 लेफ निहाली। बच्चे नू कहण लगे 70-13 लेफ निहाली पाओ तेरा पकवान नानक सिफती रजिया आओ बैठ सुल्तान। आखो सतनाम श्री भाई। ओनू अपनी गोदी च बिठाया कहन लगे तू हजे बिछाई कीती नहीं पर पुछण च इन्ना प्यार है सानू इस तरह लग्या जिवें मखमल दी सेज उत्ते बैठे हुए हैं। तू सानू प्रसादा छकाया नहीं पर तेरे पुछण च इन्ना प्यार है सानू इंज लग्या जिवें असी पकवान छक ले हों। ओए नानक तां सिफतां कर करके रजिया होया परमात्मा दी आओ बैठ सुल्तान। जदों उहनूं सुल्तान कहा ना बच्चे नूं ते बच्चा कहिंदा शायद बाबे नूं पता नहीं मैं सुल्तान नहीं मैं ते खेतां च काम करन वाला नौकर हाँ दिहाड़ियां लै के गुजारा करदा पर ये नहीं सी पता जिस बाबे दे मुखों बचन निकले ने जां का कहिया दरगाह चले। जिस दे मुखों बचन निकले ने उन्ने रातों रात तेरे माड़े कर्मां नूं धक्का ला देना तेनू सवेर होंदे ही सुल्तान बना देना। पता की होया 3:30-4 बजे तक बाबा जी ने अपने कोल बिठा के रखे उस बच्चे नूं। सवेरे सवेरे कहन लगे तू घर नहीं जाना तेरी माँ उड़ीकदी होनी तेनू। कहिंदा हाँ बाबा जी मैं ते भुल ही गया तुहाडा प्यार दे निग विच इन्ना तुसीं प्यार दिता मैं ते घर ही जाना भुल गया। देखो सारी रात नहीं भेजिया सवेरे सवेरे भेजिया। जदों ये घर जा रहे अपने नगर विच जा रहे है इतिहासकार कहिंदे ने जिस नगर च बच्चा रहिंदा सी रात नूं उस नगर दा राजा चढ़ाई कर गया।
सारे वजीरां नूं अहलकारां नूं भाजणा पै गईआं बई सवेरे राजगद्दी सुननी होएगी किहनूं राजा बणाईए। अगे इस तरह वोटां छोटां नहीं सी हुंदियां, अगे रब ते डोरियां सुटदे सी रब ते। पता की मता पकाया उन्होंने, कहिंदे नगर दे तीन दरवाजे बंद कर दो, एक खोल दो, जेड़ा सवेरे सवेरे अमृत वेले सब तो पहले नजर आवे ओनू राजकुमार दे कपड़े पना के मुकट पना के ओनू राजा बना दिओ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ओ तीन दरवाजे नगर दे बंद करते खोलता ते सवेरे सवेरे सारे एक दरवाजे ते बैठे ने। ए बच्चा हुण सवेरे सवेरे आया गुरु नानक साहब तो असीस लेके, वेखो रात नू नहीं भेजिया। आओ बैठ सुल्तान, कैसा करवा नू धक्का लाया, हजे प्रसादा उन्हें शिकाया नहीं, विछाई कीती नहीं, बस इन्ने रीज गए गुरु नानक साहब। ए बच्चा जदो आया उस नगर दे दरवाजे ते ते सारिया ने ना एकदम फड़ लिया उस बच्चे नू। ए कहिंदा की करदे हो, कहिंदे हुण दस दे। उस बच्चे दा दुध नाल स्नान कराया, राजकुमारा वाले वस्त्र पुआए, मुकट पुनाया, तिलक लगाया ते राज गद्दी ते बिठाता। ए कहिंदा की करदे हो, कहिंदे तू राजा है साडा, कहिंदा मैं समझिया नहीं, कहिंदे रात नूं ना साडा राजा चढ़ाई कर गए, असी सोचां फिकरां च पए सी, हुण राजा किनूं बणाईए, सवेरे राज गद्दी खाली होई। कहिंदे फिर असी मता पकाया कि नगर दे तीन दरवाजे बंद कर दो, एक खोल दिओ, जेड़ा सवेरे सवेरे सब तो पहले नजर आवे ओनू राजा बना दिओ, ते तू नजर आया सानू। ओदी अखां भर गईआं, कहिंदा मैं ते इस लायक नहीं सी, मैं ते खेतां च कम करन वाला, दिहाड़ियां लैके अपना टब्बर पालन वाला, पर ओ गुरु नानक साहब, ओ फकीर जिहदा कीर्तन सुन के मैं की लिया गया, मैं ओदी हजे सेवा कीती नहीं, हजे पुछिया सी प्रसादा छकाउणा तुहानू, हजे मैं ओनू विछाई ते विछाया नहीं, मैं ते सिर्फ पुछिया सी कि तू बैठ, मैं प्रसादा लेके आवां, बस ओने मैनू कहा सी सुल्तान आ बाबा तेरे बोलां ने वेख रातों रात मेरे जन्मा जन्मा दी दलिदरी काटती होई, हजे सवेर भी पूरी नहीं चढ़ी ते मैनू तू राजकुमार बनाता होई। ओ गुरु नानक साहब, साध संगत राजगद्दी ते बैठ के बच्चे दी अखां भर गई। ओ कहिंदा महाराज सच्चे पातशाह तेरी लीला तू ही जाने, तेरिया लीला तू ही जाने महाराज, एक दिहाड़ीदार बंदिया नू वेख सवेरे होंदिया ही तू ए एडी वड्डी बादशाही बख्शती, खिन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे सुहा, हुणे पढ़ के हटिया ना पेखारी, ते राज करावे राजा ते। ओ गुरु नानक साहब दा आगमन पुरब मना रहे हो, तुहानूं सारिआं नूं वधाईआं बहुत बहुत। इधर दी सारी गुरुद्वारा साहब दी कमेटी शंकर विहार दी और सारिआं संगतां नूं वधाईआं पाई, महाराज तुहाडे सदके सानूं भी प्यार दा किणका बख्शण। रल मिल के गुरु नानक साहब दीआं उस्तता महाराज ने आप सेवा लई, ते गुरु नानक साहब नाल प्यार करिए, फिरे लोग सुखीए, पर लोग सुहेले नानक हर प्रभु मिले। महाराज सब दी हाजरी दर ते प्रवान करन, जो जो इच्छा भावना लैके कोई आया महाराज दे घर, महाराज गुरमत मर्यादा अनुसार सब दी भावना नू भाग लाण, लगे रहो, कोई ना कोई नेम शुरू करो, नेम तो बाद जिंदगी च प्रेम आउंदा, जे जदो प्रेम आउंदा उदो नेम पिछे रह जांदे, फिर सात संगत जी दिल करदा उस दर नाल लगे रहिए, सारी जिंदगी बस महाराज तेरे चरणा विच ही गुजर जावे साडी, ऐसी कृपा असी असीस मंगो महाराज तो। आओ इन्हां पंक्तियां नूं एक बारी पढ़िए फिर समाप्ति करांगे। सतगुरु कृपा करन जी, कोई भी रसना वांझी ना रहे, एक बारी श्रद्धा भावना नाल इन्हां पंक्तियां नूं पढ़ो। ओ करण कारण प्रभु हारा, करण कारण प्रभु हारा, करण कारण प्रभु हारा, करण कारण प्रभु हारा, मन दीवा बुल मेरा, बाबुल मेरा,
पद समरथ बाबुल मेरा पद समरथ गुरु नानक धन 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 गुरु नानक बाबुल मेरा बड समरथ बोलो बाबुल मेरा समाप्ति हो रही सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनके मन
ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਰਾਇਆ ਧਾਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਿੱਠੋਂ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਚਨਾ ਮਰਾਇਆ ਧਾਰੋ ਆਜੇ ਹਰ ਸਭਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਦੂਰ ਦੁਰਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕਮਾਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਜਿਨ ਕੋ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਣੋਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ ਗੁਰੂ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਗੁਣਿਤ ਕਹਿਤੇ ਪਏ ਗੁਰੇ ਆ ਪਰਪੂਰੇ ਪੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਤੁਰੇ ਸਲੋ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਰਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਕਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆਇਆ ਬੁਰਿਆ ਆਇਆ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਗੁਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਮਸਕਤ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੋਨਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਧੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਸਜਦੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਬੋਲੇ ਸੁਨੇਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੁਨੇਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੋ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਸੁਨੇਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਾਣੀ ਡੋਟ ਨੈੱਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਾਣੀ ਡੋਟ ਨੈੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਔਰ 22 ਤਰੀਕ ਪਰਸੋਂ ਅਤੇ ਤਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮੁਨਾ ਪਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੋ ਸਮਾਗਮ ਨੇ 21 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਦਾ 14 ਬਲਾਕ ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਔਰ 22 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਦਾ 7 ਬਲਾਕ ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਹਿਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਔਰ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਤੋ ਬਾਣੀ ਡੋਟ ਨੈੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 8 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੁਪਹਿਰੀ 11:30 ਤੋਂ 1 ਨੋਇਡਾ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੇ ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ ਟਾਊਨ ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੱਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਯੋਧੇ ਸਨ ਪੂਰੇ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਬੱਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜੇ ਪਾਲੀ ਵੀਰ ਜੀ
होर जितने भी पतवंते सज्जन सारे ही पतवंते ने महाराज सब नू चढ़दी कला बख्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सारिआं दा। हुण सिंह साहब जी अरदास करनगे, हुकमनामा सुनाउणगे, महाराज साहब जाणगे लंगर प्रशादा छक के जाणा और अरदास करके जायो अपनी भी साढ़े गरीबां दी भी। महाराज सच्चे पातशाह तेरी समर्था ते विश्वास रखिए, तेरे चरणा नाल जुड़े रहिए, फिर ये लोग सुखी है पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। दियो असीस जी गज बज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ठाकुर तुम मित तुम ही जान, नानक दास सदा कुर्बानी तुदे आगे अर। जियो पिंड सब तेरा वाहे गुरु कहो नानक सब, कोई नाम न जाने मेरा वाहे गुरु। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास को ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याई फरंगत गुरते अमरदास। रामदास हुई सहाई अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरी है घर नौन दिया वै ताई। सब ताई हुना जी सहाए दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सब ताई हुना जी सहाए दसा पातशाह दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। गुरु जी दे पंज प्यारे चार साहिबजादे चाली मुक्ते हटियां जपियां तपियां। जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया दे चलाई ते गवाही। देख अंडिठ किता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा त्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघनिया ने धर्म हे शीश दिते बंद बंद कटवाए। खोपरियां लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े सिक्की केसा सुवासा नाल निभाई। तिना दी कमाई दा त्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा त्यान धर के खालसा जी बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चेतावे। चेता मन का सदका सर्ब सुख होवै जाह जाह खालसा जी सहैब। तहां तहां रशिया रहत देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले खालसा जी बोलो जी।
गुर सिखानो सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहु दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहेब जी दे दर्शनी स्नान चौंकिया झंडे बुंगे जोगो जोग अटल धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। हे निमानिया दे मान नितानिया दे तान ओटिया दी ओट धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे चरना कमलां विच अरदास बेनती जोदड़ी है जी। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानन होवा धन धन श्री गुरु नानक देव जीओ महाराज आप जी दा प्रकाश पूर्व दिहाड़ा मनाउंदिया होया सरबत संगता ने मिल करके आप जी दी पावन हजूरी अंदर संध्या वेले दे दीवान सजाई सन गुरु गरीब नवाज पाशाह जीओ सजे हुए दीवाना विच आरती शब्द कीर्तन शब्द विचारा आनंद साहब शेपोड़िया जी दे जाप हुए हैं। आप जी दिया संगतां पासो बाणी पढ़दियां होइयां भुल्लां मुआफ करनियां अगों तो शुद्ध बाणी पढ़न दी सो मत बख्शिश करनी गुरबाणी दा प्रभाव सरबत संगतां दे हिरदे ते वसौना सब संगतां दियां हाजरियां दर ते प्रवान करनियां तिल फुल भेटावां दर ते प्रमाण करनिया जी सब संगता नू दरो करो नाम दान सिखी दान परोसा दान चढ़दिया कला बख्शनिया जी। गुरु गरीब नवाज पाशाह जीओ सरबत संगता वलों बेअंत माया अरदास भेट हाजर होई है जी। जिन्ना खजानिया चो माया ई सेवकां दे सो खजाने भरपूर करने शुभ मनोकामना पूरियां करनियां कारोबार च वादे करने परिवारां विच सुख शांतियां वरतौनियां सिर ते मेहर प्रिया हथ रखना देही रोगता दे दान नाम दान दियां दातां चढ़दियां कला बख्शनियां जी। गुरु गरीब नवाज पाशाह जीओ आप जी दया सेवका वलों आप जी दी पावन हजूरी अंदर बख्शिया हुईया दातां विचों देख सज के हाजर हुई है जी। मिष्टान प्रसाद हाजर हुए हैं आप जी दे दर प्रमाण हुए दर प्रमाण होया प्रसाद सा संगत विच वरते जो छके सो आप जी दा सतनाम श्री वाहिगुरु जी दा नाम जपे मेहर कृपा करो जी। हुक्मनामे बख्शिश करो हुक्मनामे ते चलन दी समरथा बख्शिश करो सही गुरमह प्यारे मिलो जिना मिलिया नाम चेतावे नानक नाम चढ़दे कला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा अग्या भैया काल की सबसे कण को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभ को मिल बोच है राज करेगा खालसा ख्वार हुए सब मिलेंगे। वाहिगुरु नाम जहाज है जो शरदा कर सेम दे
खंडा जाके हाथ में सो हमरी रशिया करे, सो हमरी रशिया करे। बोले सो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहेगुरु साहिब जीओ, वाहिगुरु साहिब जी। जेता समुंद सागर नीर परया, तेते अवगुण हमारे। दया करो किछ मेरे उपाव, डुबदे पत्थर तारे। गुरपुरा जी नि सिमरिया, सेई पए निहाल। नानक नाम आराधना, कारज आवै रास। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बनाई। प्रगट पई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी मोहला पंजवा, दीन दरद निवार ठाकुर, राखे जन की आप। तरन तारन हर निध, दुख ना सके व्याप। दीन दरद निवार ठाकुर, राखे जन की आप। तरन तारन हर निध, दुख ना सके व्याप। साधु संग पजो गोपाल, आन संजम किछ ना सूजे। एह जतन काट कल काल रहाओ, आद अंत दयाल पूरन, तिस बिना नहीं कोए। जन्म मरण निवार हर जप, सिमर स्वामी सोए। वेद स्मृत कथे शास्त्र, भगत करे विचार। मुक्त पाइए साध संगत, बिन सुजाए अंधार। चरण कमल आधार, जन का रास पूंजी एक। तान मान दीवान साचा, नानक की प्रभु टेक। चरण कमल आधार, जन का
रास पूंजी एक तान मान दीवान साचा नानक की प्रभ टेक वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, साहिबा का प्रकाश जो तन तन गुणा प्रकाश जो मना रहे आज अपने वध चढ़ के हाजिरियां पड़ी, बहुत ही रौनक वधाइया हैं। आज साध संगत का दस वालों बहुत बहुत धन्यवाद। साध संगत जी, मैं सब तो पहला धन्यवाद कराँगा कृपाल सिंह पाली वीर जी का, जिन्हें सहयोग नाल आज सोनू वीर जी ने इतने हाजरियां भरिया हैं। वीर गुरबचन सिंह ने, गुरमुख सिंह जी ने भी अज इतने हाजरियां भरिया हैं। मैं बेनती कराँगा कृपाल सिंह वीर जी को स्टेज पर आन, आई पतवंत सिंह का धन्यवाद कर, उन्हें मान सम्मान कर, आई संगत का सम्मान कर। मैं बेनती करा कृपाल सिंह पाली स्टेज पर आन। चबर तखत मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की निघी गोद का आनंद मान रही साध संगत, फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जी आप सारी संगत धन धन दे योग, जो अज शंकर विहार की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े को समर्पित जो ये दीवान रखे गए सन, वो हाजरियां भर के अपना जीवन सफल कर रहे हो। और गुरु की साध संगत हुणे ही सोनू वीर जी ने आप जी नूं कीर्तन राही और कुछ कथा विचारां राही गुरु महाराज के उपदेशां दे नाल जोड़े हैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी महाराज आप नारायण कला धार जग में परवरियो, महाराज आप जगत गुरु सन। गुरु की साध संगत जिथे उन्होंने सानू सब तो पहला जिहड़ा उपदेश बख्शिया है, वह उन्होंने हुक्म किया कि किरत करो, फिर नाम जपो, फिर वंड के छको। गुरु की साध संगत यह भी कह सकते थे कि नाम जपो फिर किरत करो, लेकिन महाराज का फलसफा बहुत काबिले तारीफ है, समझने वाली गल है। महाराज ने पहला संसार नूं कहा कि किरत कर, जे तुसीं किरत करोगे दसा नौ दी किरत करोगे तुहाडे कोल माया होएगी, परिवार तुहाडा समृद्ध होगा, फिर तुसीं ना जपोगे। गुरु महाराज ने पवित्र संदेश सानू बख्शिया और सांझी वालता दा उपदेश बख्शिया। और गुरु की साध संगत आप जी दर्शन कर रहे हो गुरु ग्रंथ साहब जी दे, एदे विच सारे भगत साहिबान बैठे ने, चाहे वह मुसलमान धर्म तो बिलोंग करते सन, चाहे हिंदू धर्म तो बिलोंग करते सन। गुरु महाराज ने उन्हें सारे नू कठिया एदे विच उच्चा स्थान दिता है। और गुरु की साध संगत धर्म जिदा कई धर्म ने हिंदुस्तान दे विच, लेकिन कोई भी धर्म दूसरे धर्म की गल नहीं करता। मेरी गल नूं ध्यान देना गुरु की साध संगत, कोई भी धर्म दूसरे धर्म की गल नहीं करता गुरु की साध संगत, ना उहदे धर्म ग्रंथा च उहनूं थां दित्ती गई है। लेकिन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज ने जदों एदी संपादना कीती है, एनू कलमबद्ध कीता है, ते महाराज ने उन्हां भगतां दी बाणी जिहड़ी अकाल पुरख दी गल करदी सी, जिहड़ी अकाल पुरख दे नाल जोड़दे सन, उन्हां नूं सारिआं नूं एदे विच थां दित्ती है। गुरु की साध संगत आप सारे वडभागी हो, और मैं बहुत ऋणी हां जसप्रीत सिंह सोनू वीर जी दा, जिन्हां नूं बेनती लाई और अपने रुझेवियां भरे समय दे विच्चों उन्होंने ये दीवान दिता। अरदास करदे गुरु महाराज के चरणों के
उस वीर नू जसप्रीत वीर जी नू चढ़दियां कला बख्शन। पूरे हिंदुस्तान दे विच महीना महीना दो दो तीन तीन महीने के प्रोग्राम पहला बुक हो जाते हैं उन्होंने। और एक कमेटी जो ये वड्डा उपराला कर रही है, महाराज के चरणों च अरदास करते हैं कि हे अकाल पुरख जी, आप जी इन्हें सारे वीर के सिर ते मेहर भरे हाथ रखियो और आप विच इस गुरु घर दे विच आप अपनी कला वरताओ, चढ़दियां कला बख्शो गुरु की साध संगत। अज के प्रोग्राम दे विच काफ़ी पतवंते सज्जन भी इत्थे पुजे, वीर जिदा सुखविंदर सिंह जी बब्बर मैंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वह भी हाजरी भर के गए हैं। प्रभजोत सिंह गुलाटी जी वह भी हाजरी भर के गए हैं। सुरेंद्र सिंह दारावीर जी वह हाजरी भर रहे हैं। मैं बेनती करांगा महाराज के सन्मुख आउण, नतमस्तक होकर गुरु महाराज का आशीर्वाद लैन। सुरेंद्र सिंह दारावीर जी, सुरेंद्र सिंह दारावीर जी और गुरबचन सिंह प्रीत विहार तो भाई मतीदास सेवक जत्थे वाले वह भी हाजरी भर के गए ने। गुरु महाराज की गुरु असीस आके जरूर लैन जी। गुरचरण सिंह राजू वीर जी भी हाजरियां भर के गए ने जी। हेलो बोले सोनिहाल, मैं कहांगा बेटे एक मिनट प्लेटा रोक ला, जे अजय महाराज तखत पे विराजमान है, दो मिनट आप जी सोझी रक्षा करो। महाराज तखत पे बैठे हुए ने, अजय पांच मिनट तुसी थोड़ा जा सबर नहीं कर सकते। और गुरु की साध संगत मैं बेनती करांगा साडे सत्कार योग भैन जी हरजिंदर कौर जग्गा जी और जो उन्होंने भ्राता ने जगतार सिंह जग्गा वीर जी के वड्डे भ्राता सतनाम सिंह जग्गा वीर जी भी हाजरियां भर रहे हैं। उन्होंने बेनती करांगा कि वह भी गुरु महाराज के सन्मुख आउण और आके गुरु महाराज की गुर असीस आके लैण। बोले सोनिहाल, पुष्पिंदर वीर मेरा छोटा वीर सोम बाजार तो भी हाजरियां भर रहे हैं। गोपाल पारक कमेटी के सीनियर मीत प्रधान हरजीत सिंह जी, उन्होंने बेनती करा वह भी आ जाए। कुलविंदर वीर जी वह भी हाजरियां भर रहे हैं। जसविंदर सिंह जस्सी वीर जी, उन्होंने बेनती करांगा वह भी आ जाए। हेलो बोले सोनिहाल, कुलविंदर सिंह जी जल्दी आ जाओ, गुरु महाराज जी की निघी विदाई भी होनी है। प्रीत विहार तो भुपिंदर वीर जी बैठे ने, उन्होंने बेनती करांगा सन्मुख आ जाए। और प्रीत विहार तो होने ही गुरबचन सिंह जी भाई मतीदास सेवक सिमरन सोसायटी तो भी दर्शन करके, जितेंद्र वीर जी नज़र आ रहे हैं मैनू सोसायटी के, वह भी आ जाए जी। बहुत चढ़ती कला वाले सिंह ने जी, भाई मतीदास चौंक के उत्ते बहुत तगड़े होकर सेवा निभा रहे हैं वीर जितेंद्र पाल सिंह वीर जी। और सारी कमेटी वालों असी बहुत बोले सोनिहाल बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रीत विहार की समुची कमेटी का, होर इलाके की आई हुई समुची साध संगत का बहुत दिलों धन्यवाद करते हैं। और सब तो ज़्यादा धन्यवाद करते हैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, जिन्होंने त्रुट करके ये जो सेवावान लीतिया ने। और हूँ महाराज की निघी विदाई उपरंत आप जी ने सारे ने लंगर छक के जाने की कृपालता करनी है, ये बेनतियां प्रवान करो। हाँ जी, सब तो पहला महाराज की निघी विदाई, महाराज अपने निज स्थान से जाएंगे और उस तो बाद फिर आप जी ने सारे ने लंगर छक के जाने की कृपालता करनी।